वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पर ब्रेड और उसके बाद में मैं ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं उनको कट कर लूँगी। ये ब्रेड के कॉर्नर्स संभाल कर रखने हैं। अब मुझे इस ब्रेड को बेल लेना है, ये इसलिए ताकि जब मैं इसको रोल करूँ तो ये जो ब्रेड है वो बीच में से टूट ना जाए, इसलिए हमको इसको अच्छे से पतला सा बेल लेना है। जो ब्रेड के कॉर्नर्स थे उनको हमको ग्राइंड कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिया है तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसके अंदर मैं डालने वाली हूँ 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा और इसे चटकने देना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन और इसके बाद में एक प्याज और एक मिर्ची कटी हुई। अब हमें ऐसे ही 2 मिनट तक चलाना है और उसके बाद में मैंने यहाँ पर उबले हुए मटर ले लिए 1/2 कटोरी। इसके बाद में मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 उबले हुए आलू, 1 चम्मच नमक, 1/4 स्पून हल्दी। अच्छे से इन्हें इसे मिक्स कर लेंगे। 1/2 चम्मच मिर्ची, 1 कटा हुआ टमाटर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। एक चम्मच धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने ले लिया है मैदा, 2 छोटी कटोरी है ये। इसके बाद में मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और मुझे मैदे का एक घोल तैयार कर लेना है। हमारा घोल तैयार हो चुका है। यहाँ पर ब्रेड ले ली है और फिर जो मसाला था उसको सिलेंड्रिकल शेप में बना लिया है। उसके बाद में मैं इसमें रोल बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो मैंने मैदे का घोल बना कर रखा है उसको ब्रेड के ऊपर मैं लगा लूंगी ताकि ब्रेड जो है वो अच्छे से चिपक जाए और ये एक अच्छा रोल बनकर तैयार हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। अब इसको मैं ऐसे ही इसको रोल कर लूँगी और कॉर्नर पर भी मैं थोड़ा सा और जो है वो घोल लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो हमारा रोल जो है वो रेडी है। अब इसको जो है वो मैंने जो मैदे का घोल बना कर रखा है उसमें डिप करूँगी। अच्छे से चारों तरफ से हमें इसको डिप कर लेना है और उसके बाद में जो मैंने कॉर्नर्स को ग्राइंड करके रखा था वो भी इसके ऊपर लगा लूँगी। इससे क्या होगा ना, जब ये फ्राई होने के लिए जाएंगे तब ये बाहर से इतने क्रंची होंगे कि आपको लगेगा जैसे मार्केट के बने हुए हों। देखिए ऐसे ही हमें सारे रेडी कर लेने हैं। अब मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है और उसके बाद में जो मैंने रोल बना के रखे थे उनको जो है वो मैं फ्राई कर लूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमको अच्छे से पकाना है। इसे एक बार घर में ज़रूर बनाएं और आप भी खाएं और अपने अपनों को भी खिलाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।